वेल मैं हाजिर हूँ आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके। और दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो भी है आज का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड 13 अपडेट के बारे में दोस्तों। और दोस्तों एंड्रॉइड 13 अपडेट के साथ आपको ऐसा न्यूज़ देने वाले हैं जो आपने अभी तक यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं सुना होगा। एक ऐसे इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको देने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज के डेट में रियलमी की तरफ से कौन से डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 12 और रियलमी 3.0 का जो अपडेट है वो देखने को मिला है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी बात करेंगे रियलमी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया एक डिवाइस लिस्ट, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि एग्जैक्टली कौन से डिवाइस के अंदर जो जियो 5G सिम है वो सपोर्ट करेगा रियलमी की 5G डिवाइसेस के अंदर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सब कुछ आज वीडियो में रिवील करेंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करके रखना, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखिए स्टार्ट करते आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले एंड्रॉइड 13 अपडेट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रियलमी 9 प्रो के अंदर आज भी रियलमी की तरफ से ट्रायल वर्जन एंड्रॉइड 13 अपडेट जो है वो देखने को मिल गया है। आप देख सकते हैं जो अपडेट है 4.86 GB का अपडेट है। और दोस्तों इसके अंदर जो आपको वर्जन देखने को मिलता है एंड्रॉइड 13 के वर्जन देखने को मिलता है RMX 34711C.04 वर्जन आपको देखने को मिलता है, जो स्पेशली एंड्रॉइड 13 के ऊपर बेस करके भेजा गया है। ये एक ट्रायल वर्जन अपडेट है, बट यहाँ पे सरप्राइज थिंग आपको मैं बताने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया कभी अभी तक किसी यूट्यूबर ने रिवील नहीं किया है। ये वाला चीज़ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्या है वो। दोस्तों ये देख सकते हैं एंड्रॉइड 13 अपडेट है, बट इसके अंदर जो UI वर्जन देखने को मिलता है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको जो UI वर्जन देखने को मिलता है रियलमी UI 3.0 है। आप समझ सकते हो रियलमी UI 3.0 जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 13 अपडेट के साथ। कोई 4.0 अपडेट अभी तक रियलमी ने किसी भी डिवाइस के अंदर प्रोवाइड नहीं कराया इंडिया में 4.0 का अपडेट कब जाके देखने को मिलेगा ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक हमारे पास नहीं है। इंडिया में होगा भी या एंड्रॉइड 13 के साथ 4.0 का अपडेट वो भी अनाउंसमेंट नहीं किया है रियलमी ने जस्ट एंड्रॉइड 13 का अपडेट भेजा है। कोई रियलमी UI का चेंजेस अपडेट देखने को नहीं मिला है, जैसे कि 2.0 से 3.0 हुआ, 1.0 से 2.0 हुआ, यहाँ पे 3.0 से 4.0 का कोई अपडेट नहीं आया है। ओनली एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिला है और ColorOS 13 के कुछ जो UI है वो आपको देखने को मिला है। कोई ऐसा कुछ चेंजेस आपको रियलमी UI 3.0 से 4.0 में देखने को नहीं मिला है। ये किसी भी यूट्यूबर अभी तक नहीं रिवील कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, बट ये सच है। अभी तक जितने भी डिवाइस के अंदर रियल मी ने एंड्रॉइड 13 अपडेट भेजा है, 9 प्रो कहिए, 9 प्रो प्लस कहिए, GT सीरीज़ के जितने सारे डिवाइस है वहाँ पे आपको जो है अपडेट जो है रियल मी और 3.0 बेस एंड्रॉइड 13 अपडेट देखने को मिला है। कोई 4.0 अपडेट देखने को नहीं मिला है। अगर इन फ्यूचर रियल मी यहाँ पे 4.0 अपडेट रिवील करता है या फिर रिलीज़ करता है इंडिया में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वेल मैंने आपको बताया था कल नार्जो 34G के अंदर जो अपडेट है रियलमी ने ऑफिशियली रोल आउट कर दिया था, बट यहाँ पे आज से जो अपडेट है हर एक के लिए अवेलेबल हो गया। मैंने आपको बताया था कल से जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा, एक दो दिन बाद से जो अपडेट है वो रिवील होता है, बट यहाँ पे जो अपडेट है एक दो दिन बाद से ही नहीं आज से ही अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। जाइए चेक कीजिए अपने सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन के अंदर रियलमी नार्जो 34G के अंदर, अगर देखने को मिल गया तो अपडेट कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे बात कर रियलमी 7 के बारे में, दोस्तों रियलमी 7 के अंदर भी जो अपडेट है वो अवेलेबल हो गया है। कल दोस्तों अपडेट जो है रिलीज़ हुआ था, मैं आपको बताया था ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट के साथ कल रिलीज़ हुआ था, आज से 2.0 यूजर्स के लिए जो अपडेट है वो अवेलेबल कर दिया गया है। जाइए चेक कीजिए अपने 7 डिवाइस के अंदर रियलमी 7 के अंदर और चेक कीजिए अपने सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन के अंदर, वहाँ पे आपको शायद देखने को मिल गया होगा रियलमी 7 के अंदर एंड्रॉइड 12 के स्टेबल अपडेट को। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों आज रियलमी ने रिवील करा है कि कौन से रियलमी के 5G डिवाइस के अंदर एक्चुअली जो 5G है वो चलेगा, जियो 5G के सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कौन से 5G के अंदर। तो इसी रिगार्डिंग रियलमी ने एक डिवाइस लिस्ट हमारे साथ शेयर करा है। मैंने आपको बताया था इससे पहले मंथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रियलमी भेज रहा था, बहुत से डिवाइस के अंदर 5G रिलेटेड 5G सपोर्टेड अपडेट आपको देखने को मिल रहा था जियो की तरफ से। तो वैसा ही रियलमी ने यहाँ पे एक डिवाइस लिस्ट शेयर किया है जहाँ पे आपको सारे जो डिवाइस है जहाँ पे आपको जियो 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डिवाइस लिस्ट है, मैं नाम एक एक करके अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पे कौन से डिवाइस के अंदर जो है ट्रू 5G है जियो का जो वो सपोर्ट करेगा। चलिए शुरू करते हैं डिवाइस लिस्ट को। वेला आप देख सकते हैं रियलमी GT2 प्रो के अंदर जो है जियो 5G सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ रियलमी GT2 के अंदर रियलमी GT Neo 3 150W एंड GT Neo 3 के अंदर, साथ ही साथ रियलमी GT Neo 3T के अंदर रियलमी GT Neo 2 रियलमी GT 5G रियलमी GT Master Edition रियलमी 9 प्रो प्लस रियलमी 9 प्रो रियलमी 9 5G AC मतलब जो स्पीड एडिशन है रियलमी 9 5G मतलब हमारे डिवाइस के अंदर भी जियो 5G सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ रियलमी 8S 5G के अंदर भी जियो 5G सपोर्ट करेगा, रियलमी 8 5G के अंदर भी जो है जियो 5G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G के अंदर भी आपको जो है
अपडेट का सपोर्ट देखने को मिल गया था, अब से आपको जो है जियो 5G भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ नार्जो 35G के अंदर, नार्जो 55G के अंदर एंड X7 मैक्स 5G के अंदर आपको जो है जियो 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब इतने सारे जो डिवाइस का लिस्ट यहाँ पे शेयर करा है, इतने सारे डिवाइस का नाम जो है इस लिस्ट पे, तो इन सारे डिवाइस के अंदर आपको जो जियो 5G जो नेटवर्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा और सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये डिवाइस लिस्ट आपके साथ शेयर करना था। तो आपने सोचा कि एक 5G डिवाइस लिया, वहाँ पर 5G सपोर्ट करेगा भी या नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, आपके डिवाइस के अंदर ऑब्वियसली 5G सपोर्ट कर जाएगा। तो दोस्तों यही था आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए, मैं मिलता हूँ आपके साथ और कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा।